गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर फोर। चैप्टर नेम इज हल्कू एंड झबरा। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं उनकी स्टोरी है पूस की रात, उसी पे बेस्ड है ये स्टोरी। तो इस स्टोरी में हल्कू नाम का एक व्यक्ति होता है। तो शुरू करते हैं हम इस स्टोरी को। तो हल्कू और उसकी पत्नी एक गाँव में रहते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। उन्होंने कर्ज लिया होता है, यानी उनके पास जो ज़मींदार होता है उसका कर्ज होता है। और हल्कू क्या करता है, एक दिन अपनी वाइफ से पैसे मांगता है कि वो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो, जिससे मैं ज़मींदार का कर्ज़ा चुका सकूं। तो और सोहन नाम का ज़मींदार, यानी ज़मींदार का क्या नाम है, सोहन नाम होता है। और वो सोहन ऑलरेडी दो बार हल्कू से अपना बकाया हुआ पैसा लेने आ चुका होता है। इसी कारण हल्कू अपनी पत्नी से पैसे मांगता है और उसको देना चाहता है। लेकिन जो ठंडी का मौसम होता है तो हल्कू की वाइफ कहती है हमारे पास सिर्फ 3 ही रुपए हैं, अगर हम ये दे देंगे तो हमें ज़रूरत लगेगी तो हम क्या करेंगे। लेकिन हल्कू कहता है कि और उसकी पत्नी कहती है कि सर्दी का मौसम है, तुम अपने लिए कंबल खरीद लो, यानी और उसका जो कर्जा है वो हम बाद में चुका देंगे जब फसल तैयार होगी। तो जो हल्कू है वो उसको समझाता है कि मुझे सोहन के जो अपशब्द हैं वो सुनना पसंद नहीं है, वो हमें उल्टे सीधे शब्द सुनाएगा, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्या तुम चाहती हो कि वो हमें अपशब्द कहे? तो जो हल्कू की वाइफ है वो चिल्ला करके कहती है कि वो जो है हमें, यानी वो कौन है, हमारा राजा है क्या, हम उसके नौकर हैं जो वो हमें अपशब्द कहेगा? तो जो हल्कू है वो उसको समझाता है और कहता है कि हम कंबल तो फिर खरीद लेंगे, यानी हमारे पास फिर पैसे आएंगे, हम मेहनत करेंगे और कंबल खरीद लेंगे, लेकिन इस समय हमें पहले क्या करना है, उसके उसका जो कर्ज है ज़मींदार का उसको चुकाना है। तो जो हल्कू की वाइफ है 3 रुपए उसके पास होते हैं और कहती है कि अगर हमारे जो फसल है वो अगर अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा कि हम एक लेबर से क्या बन जाएंगे, फार्मिंग यानी फार्मर बन जाएंगे, लेकिन और तब जाके जो कंबल है वो हम खरीद लेंगे। लेकिन जो हल्कू है वो पैसे लेता है अपनी वाइफ से और जो पैसे देते वक्त जो हल्कू की वाइफ है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना ही गर्म कपड़े होते हैं, ना कंबल होती है, ना ही रजाई होता है और बहुत कड़ाके की ठंड होती है। फिर हल्कू वो अपनी पत्नी से पैसे लेकर के जाता है ज़मींदार के पास उसको पैसा वापस करने के लिए। तो जब ज़मींदार के पास वो पहुंचता है तो हल्कू ये सोचता है कि क्या इस पैसे को हम अभी इसको ना दें, इसका कर्जा अभी ना चुकाएं, क्या हम इस पैसे से कंबल खरीद लें। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि इसकी जो गलत बातें हैं उसको सुनने से अच्छा है कि हम कंबल बाद में खरीद लेंगे, पहले हम इसके कर्ज को चुकाएंगे। फिर हल्कू उस पैसे को ज़मींदार को दे देता है। फिर रात का समय जब होता है तो वो अपने खेत में आता है अपनी फसल को बचाने के लिए, जिससे जानवर ना खाने पाए। फिर चारपाई पड़ी होती है और उस चारपाई पे हल्कू लेटता है। ठंड होती है जिसके कारण वो सिकुड़, यानी चारपाई के कोने में सिकड़ा हुआ लेटा होता है। उसके पास रजाई वगैरह नहीं होती है तो वो उसके पास एक कॉटन की पुरानी चादर होती है, वो वही ओढ़ करके लेटा होता है। और उसका जो डॉगी झबरा है वो उसकी चारपाई के नीचे लेटा होता है। फिर हल्कू और जो झबरा हैं वो लेटे होते हैं और हल्कू झबरा को बुलाता है कि हम दोनों अगर साथ में लेटेंगे तो हम दोनों को थोड़ी गर्माहट मिलेगी। तो झबरा भी आकर के, यानी दोनों एक साथ लेट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिलैक्स नहीं मिलता है। तो हल्कू क्या करता है, वो इमेजिनेशन करता है एक आम के बगीचे की, जहाँ पे खूब ढेर सारी पत्तियाँ पड़ी होती हैं, और वो ये सोचता है कि पत्तियों को इकट्ठा करके फिर आग जलाएंगे और जिससे हमें थोड़ी गर्माहट मिलेंगी। ये सब सोचते हुए जो हल्कू है उसको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और तभी जो झबरा है वो देखता है कि उसके खेत में हल्कू के कुछ जानवर आ जाते हैं, तो वो भौंक करके उनको भगाने लगता है। इसी इमेजिनेशन को लेकर के जो हल्कू होता है वो झबरा को बुलाता है, लेकिन झबरा क्या करता है, देखता है कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो फसल को खाने के लिए आ रहे हैं, तो वो भौंकता है, काफ़ी देर तक वो भौंकता रहता है। लेकिन हल्कू क्या करता है, उसको थोड़ी गर्माहट मिल जाती है, ठंड का मौसम होता है और वो आलसी हो जाता है।
और ठंड के कारण वो कुछ ज्यादा यानी उसका आलस बढ़ता जाता है और वो उठता नहीं है। कहता है कि जब झबरा है तो मुझे अपने खेत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो लेटा रहता है। लेटे लेटे वो सो जाता है और जो जानवर हैं वो आते हैं और उसके जो फसल है उसको वो खा जाते हैं। फिर क्या होता है, अगले दिन जब सुबह उठता है हल्कू, तो देखता है कि उसका जो खेत है उसको जानवरों ने चर डाला है, और उसकी जो वाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, क्या तुम फसल को देख नहीं पा रहे थे? तो वो जो हल्कू है वो दुखी होकर कहता है कि तुम्हें बस खेत की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है, आग जलाओ, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ। तो वो आग जलाती है और वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन जो हल्कू और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि फसल पूरी नष्ट हो गई होती है। और हल्कू क्या करता है कि वो भी दुखी होकर कहता है कि हमने सोचा था कि हम फार्मिंग करेंगे अपने, लेकिन हम एक लेबर बन के ही रह जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हमें आलस तो ठीक है, वो हल्कू जो था उसको ठंड लग रही थी, लेकिन अगर वो उसकी फसल को बचा लेता तो उसके आने वाला समय जो था वो अच्छा होता और जो परेशानियां थी वो भी उनको नहीं होती, है ना। तो इस चैप्टर में हल्कू और झबरा की स्टोरी थी। झबरा ने तो अपना पूरा काम किया, लेकिन हल्कू ने भी थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, आलस ना दिखाया होता तो आज उसको ये समय देखने को ना मिलता। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि हमें किसी काम में थोड़ा आलस कम करना है। अगर हम अभी आलस करेंगे तो हमारा आने वाला समय बुरा होगा, अगर हम अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, है ना। तो इस समय फिलहाल तो हमें आलस नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि आलस अगर हम करेंगे तो हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और अब हम इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, ओड। ओड मीन्स बकाया, रिड मीन्स छुटकारा, कर्स मीन्स अपशब्द, स्लेव मीन्स नौकर, लेबर मीन्स श्रमिक या मजदूर, एंग्री मीन्स क्रोधित, शिवरिंग मीन्स कांपना, मिडनाइट आधी रात, ग्रेजिंग मीन्स चरना, लेजी मीन्स आलसी, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, और कैटल मीन्स झुंड, यानी जानवरों का जो झुंड होता है उसको कैटल कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो स्टोरी समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।